हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे लिविंग एक्सपेंस और सबसे बड़ा खर्चा तो आपको पता ही होगा कि यूके में किस चीज़ का आता है। डेफिनेटली यस, यही समझ गए होगे आपकी अकोमोडेशन सबसे बड़ा खर्चा जो है अकोमोडेशन का आता है। बाकी आज का वेदर दिखाता हूँ। वेदर देखो यार, क्या ही मस्त वेदर हो रहा है आज का। मतलब सुबह में भी थोड़ी सी रेन भी हुई थी। देखो आज के बादल वादल में, मतलब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि बारिश हुई है या नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी मेरे ख्याल। सिर्फ ब्रेड खाई थी, ऑमलेट खाया था, और क्या खाया था, हाँ, और पॉरिज खाया था। पॉरिज एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ ना कि उसको रोस्ट करके डब्बे में कंटेनर में पैक करके रख लिया है, और जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा मिल्क गर्म करता हूँ, पॉरिज डालता हूँ, और इट्स रेडी टू ईट। तुरंत खा लो, और सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट प्लस कुछ भी, जैसे कुछ खाने को नहीं है ना तो उस टाइम के लिए बेस्ट है। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि देखो यहाँ पे अभी कितना ही ट्रैफिक हो रहा है। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ से भी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन आप देख रहे हो ना कि हॉर्न वगैरह कोई भी नहीं मान रहा, सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। पता नहीं कैमरा फाइन या जो भी चार्जेस वगैरह सबकी वजह से होगा, बट अच्छा है जो भी है। अकोमोडेशन का देखो सबसे बड़ा खर्चा तो आता ही है, मैंने बता भी दिया। और इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी अकोमोडेशन में रह रहे हो। तो अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहोगे तो डेफिनेटली, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बुक होगा, मतलब सपोज करो 420 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपका फिक्स है कि उतना ही, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े, चाहे इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाए, चाहे इंटरनेट बिल भी बढ़ जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। और ये एक बेनिफिट भी कह सकते हो। तो आपका मंथली एक्सपेंस फिक्स्ड हो गया 420-425, वही रहने वाला है पर मंथ। और वैसे तो ये, और बाकी जो ऑफ कैंपस रहते हैं या उसमें, देखो इलेक्ट्रिसिटी रेट अगर बढ़ते हैं तो यार डेफिनेटली हमारे ऊपर भी उसका असर तो आना ही वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल जो, या फिर इंटरनेट बिल अगर एक्सपेंस उसका भी बढ़ता है, या रेंटल इनकम उनकी बढ़ती है, तो हम लोगों पे भी उसका असर आने वाला है। तो आपको शायद पता ही है, मैं बता भी रखा है, 420 मेरा पर मंथ जाता है विद इंक्लूडेड बिल्स है मेरा अभी तो यहाँ पे, क्योंकि ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है। तो 420 भाई ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं और सस्ता भी नहीं है, बट एक्सपेंसिव तो है, मानना पड़ेगा। क्योंकि लंदन, आप यहाँ से लिवरपूल का ट्रेन टिकट भी लेते हो अगर विदाउट रेल कार्ड, तो भाई 40 pounds का टिकट डायरेक्ट लगता है। तो भाई 40 pounds देख लो, उस हिसाब से भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप 100 pounds दिन का कमाते हो तो उस हिसाब से भी काफ़ी, 100 pounds या 200 भी कमाते हो तब भी बहुत महंगा भाई उस हिसाब से। तो भाई ट्रैवल एक्सपेंस मान के चलो कि अगर आप, अब देखो ये भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप कितना ट्रैवल करते हो। अगर ऑफ़ कैंपस रहते हो तो अगर आपकी 2 दिन क्लासेस भी होती है, तो अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से कन्वेंस, मतलब कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। तो इसका कोई फिक्स रेट या फिक्स मंथली कुछ बता नहीं सकता मैं कि कितना एक्सपेंस होता है, बट मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि 100 pounds तो मान के चल लेते हैं, मिनिमम मान लेते हैं 100 pounds तो लग ही जाता होगा। तो एक ये 100 pounds मान लेते हैं, अभी हो गया हमारा 520 हो गया। नेक्स्ट मान लेते हैं ग्रोसरी का मेरा ज़्यादा तो नहीं आता, बट एक ऑन एन एवरेज, अगर फिर भी एवरेज एक रेट पकड़ के मैं चलूँ तो मेरे ख्याल से 40-50 पर वीक मेरा खर्चा तो होता ही होगा। 40-50 इतना तो मिनिमम जाता ही होगा, क्योंकि इससे कम मेरे को लगता नहीं है कि कुछ खर्चा होगा। बाकी इससे ऊपर तो कुछ लोगों का हो ही सकता है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग मीट ज़्यादा खाते हैं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ भी कोई फिक्स मंथली एक्सपेंस तो है नहीं। क्योंकि किसी वीक आप, हो सकता है कि पार्टी वगैरह करो, तो ये भी आपका फूड या ग्रोसरी इसमें ही आपका एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्सन टू पर्सन, मतलब मेरा नहीं, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और इसका भी कोई फिक्स नहीं है। बट फिर भी एक रफ आइडिया मैं कह सकता हूँ कि 40-50 पकड़ लेते हैं, 50 यानी कि 5-20, तो 200 pounds तक, 150-200 pounds तो देखो मिनिमम खर्चा आना ही है ग्रोसरी का किसी भी हाल में। बाकी अब अगर आउटिंग कर लेते हो, मतलब किसी दिन अगर आउटसाइड फूड वगैरह खा लेते हो, तो भाई फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम हम लोग 200 pounds पकड़ लेते हैं, 150-200 pounds लेते हो। तो मैं सिम कार्ड यूज़ करता था पहले लिबारा का, जिसमें मेरे को एयरपोर्ट से पड़ा था 30 pounds का, उसमें उसने मेरे को 5 या 10 GB का डेटा दिया था, जो कि मेरा 5 से 10 दिन में ही ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब मैं आया था उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो 5 से 10 GB तो ऐसे ही उड़ गया, मुझे भी पता नहीं लगा कि कब एक्चुअली मेरा 5 से 10 GB गया। और 30 GB में उन्होंने 5 से 10 GB सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा था। तो आप लोगों को, हर किसी को सजेस्ट करूँगा, एयरपोर्ट पर आके एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करके आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हो दैट यू हैव सेफली रीच्ड जो भी
उसके बाद सिम कार्ड एयरपोर्ट से नहीं परचेस करना है, आपको अपने एरिया पे आना है, लोगों से पता करना है कि आपके यहाँ पे कौन सा बेस्ट नेटवर्क चलता है, और जो भी मार्केट वगैरह एरिया होगी एक्सप्लोर करना, उस पर जाके सिम कार्ड वहाँ से ऑफलाइन लेना। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि वॉक्सी का सिम कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, 2 दिन में डिलीवर कर देते हैं, आपको फर्स्ट मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जो यूट्यूब वीडियोस प्लस हॉटस्टार वीडियो और काफ़ी सारी एप्लीकेशन का वीडियो बफरिंग या वीडियोस ऑफ क्या बोलते हैं वीडियो प्ले कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपका मेन डेटा होगा 25 GB या 20 GB जितना भी GB आपको मिलेगा। 10 pounds से स्टार्ट है मेरे ख्याल से प्लान, मैंने 12 pounds का ले रखा है, उसमें मुझे 25 GB डेटा मिलता है, और जिसमें कि अनलिमिटेड मेरा व्हाट्सएप मतलब सोशल मीडिया और जो भी वीडियो प्लेटफॉर्म्स है वो अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ मैं, वो मेरा मेन डेटा से कंज्यूम नहीं होता। तो और कॉलिंग तो यूके टू यूके अनलिमिटेड है, टेक्स्ट भी अनलिमिटेड है, बट उसमें इंटरनेशनल मैसेजेस या कॉल वगैरह का फैसिलिटी नहीं है, तो ये देख लेना अगर किसी को बहुत ज़्यादा नीड है तो। इसमें ट्रैवल में बस पास इंक्लूडेड है, जैसे कि मोस्टली 30 से 50 pounds के बीच, पर ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और स्टेट सिटी टू सिटी, सो इसमें मंथली पास जो है 30 to 50 pounds में बन जाता है, बट मैंने ले नहीं रखा क्योंकि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में मतलब ऑफ कैंपस रहता हूँ, बट यूनिवर्सिटी के क्लोज है, तो जो भी मैं कम्यूट करता हूँ वो या तो वाया ट्रेन करता हूँ।